मंथ्स है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। न्यूबॉर्न बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए इतने छोटे बच्चों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे बच्चे का वेट सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की नींद प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, बच्चा प्रॉपर फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस तरह की कई बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर आपको कैसे करनी है, जिससे बच्चा हेल्दी रहे, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो और बच्चे को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। स्टार्टिंग के कुछ मंथ बच्चे का वेट सही रेशियो में बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के वेट पर ही बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट सही रेशियो में बढ़े। नॉर्मली बच्चे का बर्थ वेट 2.5 kg से लेकर 4 kg तक होता है, और ये वेट बर्थ के कुछ दिनों के बाद कम होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर एक ही वीक में ये वेट नॉर्मल वेट पे आ जाता है। उसके बाद कभी भी बच्चे का वेट कम नहीं होना चाहिए, हर वीक बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ मंथ लगभग बच्चे का वेट हर वीक 175 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक बढ़ना चाहिए, यानी अगर हम मंथली देखें तो बच्चे का 700 से लेकर 800 ग्राम तक वेट बढ़ना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में हमें फीड कराना है दिन के टाइम पर। अगर बच्चा सो रहा है तो आप उसे उठाइए, उसके कान के पीछे गुदगुदी करिए, बच्चे के पैर के तलवे में गुदगुदी करिए, उसे उठाइए और उठाकर फीड कराइए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो उस केस में आप लगभग 15 से 20 मिनट तक बच्चे को फीड कराइए। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का पेट प्रॉपरली भर रहा है या नहीं भर रहा। इसके लिए कुछ साइन होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा दिन में 8 to 12 times दूध पिएगा, और हर वीक बच्चे का वेट बढ़ेगा, और बच्चा दिन में 6 to 8 बार यूरिन पास करेगा, और रात में भी 2 to 3 times यूरिन पास करेगा। इसका मतलब बच्चे का पेट प्रॉपरली भर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 0 to 3 months के बच्चे को 24 आवर्स में लगभग 14 टू 17 आवर्स सोना ही चाहिए। अगर बच्चा इससे कम सोता है तो इसका मतलब है बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा सो नहीं पा रहा है। और ये नींद नॉर्मली बच्चा दिन में 8 to 9 hours पूरी कर लेता है, और रात में भी लगभग 8 to 9 hours ही सोता है, और रात की नींद में बच्चा 2 से 3 बार फीड लेने के लिए उठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बच्चे की हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे को जब भी हम गोद में लें तो अपने हाथ को साफ कर लें या हाथ को सैनिटाइज कर लें। नेक्स्ट है, गर्मियों में आपको बच्चे को कॉटन के नैपी ही पहनाने चाहिए। रात को आप डायपर पहना सकते हैं, दिन के टाइम पर डायपर अवॉइड करने चाहिए। और अगर हम दिन के टाइम पर भी डायपर पहनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए। और डायपर चेंज करते टाइम पर डायपर रैश क्रीम लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए। अगर हम बच्चे को कॉटन के नैपी पहनाते हैं तो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि अगर छोटा बच्चा ज़रा भी गीला रह जाता है तो उसे ठंड लगने के चांसेस होते हैं गर्मी के मौसम में भी। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम उसे गोद में लें तो उसकी नेक को प्रॉपर सपोर्ट दें। अभी भी छोटे बच्चे को बहुत तेज़ नहीं हिलाना चाहिए, बच्चे को नेक पे सपोर्ट दीजिए और प्रॉपरली उसे गोद में लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चे को जब हम दूध पिलाते हैं तो उसके बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाइए, क्योंकि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध के साथ हवा भी पेट में चली जाती है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पर उसका सर रखिए या पैर पर उसका सर रखिए, और बच्चे की बैक को हल्के हल्के हाथों से सहलाइए, जिससे डकार बाहर निकल जाती है। अगर बच्चा डकार नहीं भी ले रहा है तब भी 10 मिनट के लिए बच्चे को इस पोजीशन में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक बच्चे की गर्भनाल नहीं गिर जाती है तब तक आपको बच्चे को नहलाना नहीं है, बच्चे की मालिश नहीं करनी है। तब तक आप बच्चे को केवल स्पंज करिए, यानी हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक कॉटन का कपड़ा डालिए और उससे बच्चे को पोंछ दीजिए। इसका मेन रीज़न होता है कि गर्भनाल वाले एरिया पे पानी नहीं जाना चाहिए, उस एरिया पे आपको पानी नहीं लगाना है, कोई भी ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि इससे वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बच्चे की नाभि पर बीटाडीन का पाउडर लगा सकते हैं, और कोई भी चीज़ लगाना बिल्कुल अवॉइड करिए। और गर्मी के मौसम में आपको बच्चे की मालिश दिन में 2 बार करनी है। मालिश छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे की गैस पास होती है। तो मालिश आपको गर्मी के मौसम में कोकोनट ऑयल से करनी है, और ठंड के मौसम में ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन से करनी है। और मालिश करते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको मालिश नहीं करनी है, और कोशिश करें कि घर का कोई मेंबर ही बच्चे की मालिश करे। ट्रेडिशनल जो मालिश वाली होती हैं उनसे बच्चे की मालिश करवाना अवॉइड करिए। मालिश के साथ साथ छोटी छोटी एक्सरसाइज भी बच्चे को करा सकते हैं, जैसे बच्चे के हाथों को फोल्ड करना, बच्चे के पैरों को फोल्ड करना। नेक्स्ट है, बच्चे को नहलाना। बच्चे को हमें हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है। मालिश करने के आधे घंटे के बाद हम बच्चे को नहला सकते हैं। हम दिन में गर्मी के मौसम में 2 बार भी बच्चे को नहला सकते हैं। कभी कभी नहला देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
2 मंथ से बड़े बच्चे लेना चाहिए, यानी बच्चे को पेट के बल लिटाइए, जिससे बच्चे का नेक सपोर्ट अच्छा होता है, बच्चा जल्दी बैठना सीखता है और बच्चे की गैस भी बहुत आराम से पास हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है बच्चे को गैस बनना। तो अगर बच्चे को गैस बन रही है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है चेक करने का, बच्चे के पेट को हल्का सा दबा कर देखिए, बच्चे का पेट टाइट है तो इसका मतलब है बच्चे को गैस हो सकती है। तो उस केस में आप हींग लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसे गर्म करिए और फिर उसे थोड़ा ठंडा होने पर बच्चे के पेट के एरिया में लगाइए। इससे बच्चे की गैस बहुत जल्दी पास हो जाती है, बच्चे को तुरंत आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों के साथ हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम प्रोडक्ट का यूज़ करिए और कोशिश करिए कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हों, यानी जिन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा स्मेल है या कलर है तो उन प्रोडक्ट्स को लेना बच्चों के लिए अवॉइड करिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स ही बच्चों के लिए यूज़ करिए।